और ये देखिए दोस्तों, हमारी परी कहाँ छिपी हुई है, सरसों के खेत में। सोच रही थी कि हमको कोई पता नहीं पाएगा ना। परी क्या करो यहाँ पे? सरसों तूर रही हो? छुप गई हो यहाँ पे ना? पागल। चलो अच्छा, निकलो वहाँ से, निकलो। चलो चलो घर चलो, अब अपने घर के पास। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, और हमेशा स्वस्थ मस्त आप लोग रहिए। यहाँ पे देखिए पीछे कौन आ गया है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे रहे आप लोग? आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि हम और मम्मी हम लोग जा रहे हैं खेत देखने के लिए। हम जा रहे हैं खेत देखने, जो हम लोग गेहूँ बोए हैं उसको देखने जा रहे हैं कि अभी इसका डाट निकला है कि नहीं निकला, कैसा है कैसा नहीं, इसको देखेंगे कैसा है कि नहीं, इसके खेत सही है कि नहीं। हम लोग काफी दिनों के हम लोग गए नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं, अभी निकल रहे हैं। आयुष परी पढ़ के आ गए हैं, तो लोग खाना भी खा चुके हैं। हाँ, लोग खाना भी खा चुके हैं, हमें लोग फ्री हो गए हैं, तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तीन लोग के मैं साथ में इन लोगों को लेके जा रही हूँ। चलो बाबू। हेलो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम और परी भी स्कूल से पढ़ के आ चुके हैं, हम लोग खाना खाना भी खा चुके हैं। देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी यहाँ पर बैठी है। हाँ दोस्तों, मैं भी आ गई। मैं बाबू आज वीडियो ही बना रहा है, इसका ड्यूटी है वीडियो बनाना। तो हम लोग जा रहे हैं खेत देखने, चलिए आप लोगों को भी अपना खेत दिखाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग खेत है, इसमें हम लोग बैगन बोए हैं, बैठाए हुए हैं। देखो देखिए दोस्तों, परी जा रही है भिंडी कतरने के लिए। दोस्तों मैं अपना बैगन का पेड़ दिखा रहा हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा इसमें फल लगा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा इसमें लगा हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलता है। तो मैं सुबह में इसको तोड़ के ले गई थी, अभी मैं दोबारा देखने आई थी। तो दोस्तों मैं चल रही हूँ आप लोग अपना नींबू का पेड़ दिखाने, अभी मैं दिखा रही हूँ अपना नींबू का पेड़ कितना अच्छा लगता है। देखिए देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा फूल लगा हुआ है इसमें। ये बहुत काफ़ी मात्रा में ज़्यादा फलता है हमारा नींबू। हमारा नींबू तो तीनों मौसम फलता है, ठंडी, बरसात, गर्मी, हर मौसम में इसमें नींबू लगा रहता है। देखिए इसका फूल कितना अच्छा है, और फल भी आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारे बाबू तोड़ लिए हैं हाथ में ही इसको, अभी छोटा नहीं तोड़ना चाहिए बाबू। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कुछ अंधेरा आ रहा है क्योंकि शाम हो रही है इसलिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं नींबू दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा लगता है। तो देखिए दोस्तों, हम अपने एक गेहूं खेत में पहुँच गए हैं। देखिए कितना अच्छा इसमें गेहूँ लगा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। कितना बाल इसमें पूरी तरह निकल चुका है, लगभग कुछ बाकी नहीं है। देखिए देखिए कितना टॉप लग रहा है, देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है, आप लोग देख सकते। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने खेत पहुंचने वाली हूँ, आपको दिखा रही हूँ मेरे खेत का रास्ता है। देखिए मैं चल रही हूँ, आपको मैं अपने खेत का रास्ता दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे खेत का रास्ता है, और यहाँ पर एक नल है, सरकारी नल, हमारे खेत के बगल में सरकारी नल आपको मैं दिखा रही हूँ नज़दीक से। यहाँ पर सभी किसान जो भी आते हैं गेहूं काटने या कुछ भी करने, तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में पानी पीते हैं। और यहाँ पर पेड़ है एक महुआ का, देखिए यहाँ पर बैठ कर सुस्त आते हैं, आराम करते हैं, और फिर यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। देखिए हमारी परी देखिए नल चला रही है, इसको प्यास लग गया है आने के बाद। परी क्या कर रही हो, प्यास लग गया है? तुमको प्यास लग गया है ना? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना खेत दिखा रही हूँ। ये देखिए मेरा खेत है, देखिए इसमें गेहूं तो बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा लगा है, देख लीजिए। देखिए मुझे घर का काम लिखना होगा, और परी बोल रही है इसको घर का काम लिखना है। ये देखिए हमारी परी का, परी गेहूं मत तोड़ो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग को चलना है घर, अब शाम हो रही है धीरे धीरे, तो मैं चल रही हूँ घर। देखिए दोस्तों, हमारे गांव में जाने का रास्ता ही है, मैं काफ़ी दूर आई थी अपने दूर वाले खेत को देखने के लिए, सरकारी नल के पास ही मेरा खेत है, तो वहां से मैं देख के वापस जा रही हूँ।
तो दोस्तों मैं चले आपको अपना आम का पेड़ दिखाने। अब चलिए मैं दिखा रही हूँ दोस्तों हमारे आम के पेड़ को दिखा रही हूँ मैं, कितना अच्छा इसमें बॉर्डर लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुहाना और प्यारा लग रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए कितना सारा फूल लगा हुआ है इसमें, बहुत ही प्यारा लग रहा है पेड़ देखने में। ये हमारा आम का पेड़ है और इसके बगल में भी हमारा गेहूं का खेत है। देखिए ये भी हमारा गेहूं का खेत में, इसमें कहीं कहीं सरसों भी लगा दिया गया है। देखिए और यहाँ पर परी हमारी खड़ी हुई है। परी चलो घर, चलो शाम हो गई है, चलोगी नहीं? चलना है तो चलो अब घर। तो दोस्तों हम लोग अपने घर के पास पहुंच गए हैं। ये भी हमारा सरसों का खेत है, देख लीजिए। ये देखिए हमारा सरसों का, इसको बांध दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा लटक गया था इस कारण इसको बांध दिया गया है। अब परी तो इसमें छुप गई थी, देखिए यहाँ पर परी हमारी निकल गई है। देखिए देखिए हमारी परी को। और देखिए दोस्तों हमको अपना एलोवेरा बैठाना है। आपको मैं दिखा रही हूँ, तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको मैं बैठा नहीं पाई हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए एलोवेरा का पौधा है, इसको हमने छोटे से गमले में बैठा दिया था, ये थोड़ा सूख रहा था, इसको पानी डाल करके हमने हरा किया है। अब इसको दूसरे में बैठाना है, हमको दूसरे किसी बड़े गमले में बैठाना है, क्योंकि धीरे धीरे जगह कम पड़ जाएगा इसमें, इसलिए इसको हम दूसरे में बैठाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बालों में लगाने के लिए, फिर चेहरे में भी इसको हम लगा सकते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और देखिए हमारा गुड़हल का पौधा है जिसको हमने लगाया हुआ था, और यहाँ पर खिला हुआ है गुड़हल का पौधा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सब हमारे नल के बगल में है। देखिए और ये है खांसी की दवा का पौधा, इसको बच्चों को खांसी जब आता है इसको हम खिलाते हैं, इसके पत्ती को। इसमें पत्ती है नहीं, लगभग ख़त्म हो गया है। देखिए सिर्फ एक ही दो ही पत्ती दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सेवड़े का पौधा। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है, अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने। तो देखिए दोस्तों हम मैं घर आ चुकी हूँ, परी हमारे साथ में आ चुकी है। देखिए परी यहाँ पे है, परी अपना फिर ढूंढ रही, परी क्या ढूंढ रही हो? तो काम नहीं आ रही परी हमारी। और यहाँ पर हमारे आयुष बाबू अपना पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग देखिए ये साथ में नहीं गए हुए थे बाबू, इसको मैं साथ में बोल चलो खेत देखने, तो ये नहीं गए है ना बाबू? क्यों नहीं गए थे तुम मेरे साथ में? हम तुमको ढूंढ रहे थे। मैं देखने के लिए गया था, मैं बाद में आपको मैं हेर रहा था। ओ बाद में ढूंढ रहे थे हमको? हाँ अब आपको बाद में। अच्छा बाद में ढूंढ रहे थे, साथ में बोले तुम नहीं गए? नहीं तुम देखे थे वहाँ पर थी। हम बहुत दूर खेत देखने गए थे जहाँ पर नल नहीं है अपना, सरकारी नल नहीं, सरकारी वाला वहाँ पे गए थे।